ओडिशारे अनुष्ठित हो जाएची भारतीय स्नायुरोग संघर 71वां वार्षिक सम्मेलनी। स्वास्थ्य सेवा मानचित्र रे स्वतंत्र सुख्याति एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे आरंभ होइतला प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप। एससीबी मेडिकल कॉलेज रो हेरिटेज ऑडिटोरियम, सर्जरी विभाग रो एसिकन हॉल, टेलीमेडिसिन विभाग रो स्वतंत्र प्रकोष्ठ, स्नायुशल्य विभाग रो विभिन्न कक्ष, आनाटोमी विभाग रो लेक्चर थिएटर समेत डिसेक्शन हॉल रे समांतराल भावरे जारी रहितला कार्यक्रम। डिसेंबर 13 तारीख रे समस्त स्थान रे निरवच्छिन्न भावरे चलीतला शिक्षा और प्रशिक्षण कर्मशाला। डिसेंबर 14 रु 17 तारीख पर्यंत भुवनेश्वर रे योजना करा जायतला सम्मेलनी। डिसेंबर 14 तारीख रे थिला उद्घाटनी उत्सव। वाग्देवी सरस्वती को वंदना सहित आरंभ करा जायतला कार्यक्रम। मंचासीन अतिथि मानकु पुष्पगुच्छ दे करा जायतला सम्मानित। सरस्वती वंदना सहित प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मेलन रे सफलता कामना करथिले निमंत्रित अतिथि माने। संघ पक्षरु सांगठनिक अध्यक्ष ब्रिगेडियर प्रोफेसर डाक्टर प्रफुल्ल कुमार साहू मंचासीन समस्त निमंत्रित अतिथि एवं कक्षर समस्त अतिथि को स्वागत करथिले। संपादकीय विवरणी पाठ करथिले संघर जातीय संपादक डाक्टर क्रिस श्रीधर। नूतन भावे निर्वाचित संघर जातीय अध्यक्ष डाक्टर दलजीत सिंह आगामी कार्यपन्था संपर्क सूचना देथिले। बरेण्य अतिथि मानक द्वारा एनएसआई कन 2023 स्मरणिकार उन्मोचन लोकार्पण करा जायथिला। स्नायुरोग चिकित्सा क्षेत्र रे अतुलनीय अवदान पई डॉक्टर मोहन संपद एवं डॉक्टर ए क्रिस रेड्डी को प्रदान करा जायथिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सम्मानित अतिथि भाव में जोग देथिले वरिष्ठ प्रशासक तथा पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष श्रीजुक्त असित कुमार त्रिपाठी एवं मुख्य अतिथि भाव में जोग देथिले राज्य सरकारंकर एमएसएमई शक्ति और शिल्प विभाग मंत्री श्रीजुक्त प्रताप किशोरी देव। परे परे संघ पक्षर सम्मानित अतिथि व मुख्य अतिथि को दिया जायतला संवर्धना। अतिथि देव भव न्याय रे जातीय कर्मकर्ता को मध्य स्थानीय कर्मकर्ता करथिले सम्मानित। सभा शेषरे समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले एही जातीय सम्मेलन सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर मनमत कुमार धीर। उद्घाटनी सभा शेषरे कक्षरे गुंजरित हेला जातीय संगीत। दीर्घ 40 वर्ष परे ओडिशा रे अनुष्ठित होइतला स्नायुरोग चिकित्सक महाकुंभ। जोग देथिले जातीय तथा अंतर्जातीय ख्याति संपन्न विशेषज्ञ। 1982 मसीह होता 2023 अलमोस्ट 40 वर्ष पर होते न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी बहुत छोटो सोसाइटी थिला। वर्तमान प्राय 3000 तार अच्छा मेम्बर्स ये 1250 रु 1300 डेलीगेट्स आसती सबू ऑल ओवर इंडिया ता छड़ा बाहर कंट्री मध्ये न्यूरोसर्जन्स न्यूरो फिजिशियन्स न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट न्यूरोपैथोलॉजी न्यूरो एनेस्थेसिया माने समस्त आसछन्दि। ए वर्ष जो थीम हला एडा करंट कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रेक थ्रू न्यूरोसाइंसेस। आजिकाली जो आमर आसी रोबोट आसी न्यूरो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ता उपर मध्ये गोटे सेपरेट सेशन रही जो थ्री डिस्कशन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसिले केमिति आमर सब जिनस इन्वेस्टिगेशन रे ट्रीटमेंट रे आमु केमिति सुविधा करियो ता बदर हबो। एटा 5 दिन प्रोग्राम थिला। 13 तारीख दिन एससी मेडिकल कॉलेज रे आमर सबू वर्कशॉप काड़ा भरी वर्कशॉप कराइथिला जो थरे केमिति पिला माने माइक्रो सुचर करिवे केमिति बोन को ड्रिल करिवे। आगुरु बोन काटिया पई गिग्ली सॉ सब यूज होतला। आजिकाली जोटा घंटा कि 45 मिनट लगुला से 3 मिनट भितर हो पार 3 रु 4 मिनट भितर हो पारे कहीं हाई स्पीड ड्रिल आसा छड़ा जो गुड़ा ऑपरेशन आगुरु जो करते बिना माइक्रोस्कोप करते आजिकाली माइक्रोस्कोप करा द्वारा रिजल्ट न तार भल होता छड़ा सब न्यूरो एंडोस्कोपी अच्छी न्यूरो नेविगेशन अच्छी या उपर प्रथम दिन सीएम कौन नुआ सब जिनस हो सीएम प्रोग्राम कर 14 तारीख दिन 15, 16, 17 सब साइंटिफिक सेसन अच्छे जो थे ब्रेन सब जो डिजर्डर अच्छी तार कौन लक्षण कारण आई कौन सब आजिकल मॉडर्न ट्रीटमेंट हो डिस्कशन हे से भाया स्पाइन रो जो सब अच्छी डिजीजेस अच्छी डिस्कशन करा ब्रेन उपर जमी अच्छी आमर जमी हो ब्रेन ट्यूमर हो ब्रेन ट्रमा हो ब्रेन रे कौन सी ब्लीडिंग होची स्ट्रोक होची यही सब बाबद विस्तृत भाव डिस्कशन करापी नुआ गाइडलाइन कौन अच्छी से डिस्कशन करें जो सब रोबोट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमती साय कर पेसेंट रिकवरी पेसेंट मॉर्बिडिटी न बढ़ु पेसेंट डेथ न हो से यही बस चर्चा चली से भाया स्पाइन स्पाइन ट्रमा हो स्पाइन रदी हो डिजेनेटिव डिस्क डिजीज हो कि स्पाइन ट्यूमर हो
କିମ୍ବା ଯେତେ ରକମର ସ୍ପାଇନାଲ ଡିଜର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ର ଡିଜର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସେସନ୍ ବାଇ ସେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ମେଜର ହଲ୍, ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇଟା କନକରେଣ୍ଟ, ଦୁଇରୁ ଚାରିଟା ABCD ଚାରିଟା କନକରେଣ୍ଟ ହଲ୍ରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ନ୍ୟୁରୋଜ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି। ୟାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଓରେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓରେସନ୍, ବାକି ସବୁ ଓରେସନ୍ ଆ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ତା'ର ରିକଭରି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ନ୍ୟୁରୋପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋ ରେଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦର୍ଭମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଟ୍ୟୁମର, ମସ୍ତିଷ୍କରେ TB, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଉପଚାର କିପରି ହୋଇପାରିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ତାହା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚିକିତ୍ସା ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତରୁ ଏବଂ ସାର୍କ ଦେଶ ସମୂହରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଜାପାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 13 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ 13 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 13 ତାରିଖରେ ଏହା କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅପସ୍ମାର, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଜଟିଳ ରୋଗର ଉପଚାର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଅଲଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସିମୁଲେସନ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାକୁ ଯେଭଳି ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କର ସିମୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିମାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି କିପରି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ମାନେ ସିମୁଲେସନ୍ ଜରିଆରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋବୋଟିକ୍ ଜରିଆରେ କେମିତି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ କରିବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କିପରି ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗିବ, ତାହା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗିତା ହେଉଛି ଏହା ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍। ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗର ଉପଚାର ହେଉଛି, ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ବା ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ବା ଥରା ରୋଗ ବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପାଗଳାମି, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଉଦାସ ମନୋଭାବ, ସବୁଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ସାରା ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତର ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସାରା ଭାରତର ଜନସମୁଦାୟ ଏବଂ ତଥା ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉପକୃତ। ଦ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋ ହେ ଇଣ୍ଡିଆ କା ସବସେ ବଡ଼ା ସବସେ ପୁରାନା ଔର୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁରୋ ସୋସାଇଟି ହେ ଯୋ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ଔର୍ ଯୋ ବି ନ୍ୟୁରୋ ମେ କାମ କରତେ ହେ ଉନକା ଏକ ସୋସାଇଟି ହେ। ये सोसाइटी 1950 में फॉर्म किया गया था चेन्नई में, और यहाँ पर हम आए हैं भुवनेश्वर में उसका 71st एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए। हर साल हम एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कोई ना कोई शहर में करते हैं जहाँ हम सब इकट्ठा होते हैं और हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर हम बहुत से साइंटिफिक पेपर, हमारा जो काम है उसको हम डिस्कस करते हैं, हम सिखाते हैं और आपस से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम एक पब्लिक अवेयरनेस फंक्शन भी रखते हैं जहां पर हम पब्लिक को बोलते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या करने से ये जो न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़ा कम हो जाए और उसका जो इफेक्ट है वो शरीर के ऊपर कम हो जाए। यही 71वां वार्षिक सम्मेलन रे नूतन भाव में निर्वाचित हेले डॉक्टर दलजीत सिंह एवं अनुष्ठान उन्नति कल्पे करथिले आलोकपात। हमारी सोसाइटी लगभग 75 साल पुरानी है, इसमें 3500 के करीब मेंबर हैं और लगभग 500 मेंबर हर साल ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इस स्पीड से देखूं तो आने वाले 6 साल में हमारे हिंदुस्तान में न्यूरोसर्जरी की संख्या डबल हो जाएगी और एक अच्छी बात है। सोसाइटी की तरफ से हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन। अब एजुकेशन में हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं पढ़ाने का, बच्चों को एजुकेट करने का, ट्रेन करने का। बहुत से लोगों को अच्छी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती, एक्सपोज़र अच्छा नहीं होता, तो उन्हें एक मौका मिलता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में आके एक्सपर्ट द्वारा ऑपरेशन जो वीडियो बनाए जाते हैं, टेक्निक्स होती हैं, तो वो अपने एक्सपर्ट दिखाते हैं और उसको देखकर उनको सीखने का एक साधन मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डेलीगेट भी हमारे यहाँ काफ़ी आ रहे हैं। पिछले 15-20 साल में न्यूरोसर्जरी जो हिंदुस्तान की है वो एट पार हो गई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, यानी कि जो वर्ल्ड में होता है हम सब ने न्यूरोसर्जरी को उस लेवल तक, उस मकाम तक पहुंचा दिया है। किसी से भी हम इन्फीरियर नहीं हैं, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे इम्प्रूव हो गए हैं, एजुकेशन लेवल बढ़ गया है। इसके अलावा हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ट्रेन द टीचर या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और स्टैंडर्ड्स में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में NSI की रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे शरीर में जो न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड इम्प्लांट लगाए जाते हैं उसका स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। इसके अलावा नेशनल लेवल के कुछ प्रोग्राम में भी हमारा योगदान है, हेड इंजरी के प्रोग्राम हो गए, ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम हो गए, तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा योगदान है नेशनल लेवल पर भी। हमारी एक और तरफ से भी एक योगदान चल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर भी भेजने की व्यवस्था करें, इसके लिए सोसाइटी स्कॉलरशिप भी देती है 6 से 8 लोगों को, अच्छे अमाउंट उनका ट्रैवल फेलोशिप, उनको वहाँ रहना। हम यंग स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते हैं कि वो आके कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, उनको स्कॉलरशिप जाती है। एक दूसरा पहलू भी है कि डॉक्टरों के अलावा हम नर्सेज को भी ट्रेन करते हैं। एक सोसाइटी ऑफ इंडियन न्यूरो नर्सेज है जो कि हमारे साथ कई सालों से इस कॉन्फ्रेंस में आके पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 200 से 300 नर्सेज जो न्यूरो से रिलेटेड हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आती हैं, वो हमारे साथ बैठ के अपने पेपर प्रेजेंट करती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उन्हें एक मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का भी और अपना स्किल बढ़ाने का भी। सुचिंतित भाव में करा जाय थिला योजना एवं निमंत्रित होई थिले जातीय तथा अंतर्जातीय ख्याति संपन्न विशेषज्ञ सम्मानस्पद ओरेसन गुड़िकर मध्य करा जाय थिला सुबंदोबस्त। आई हैड बीन आस्क्ड टू गिव द जेकब चांडी ओरेशन। जेकब चांडी वाज द पायनियर न्यूरोसर्जन ऑफ इंडिया। He was the first neurosurgeon to set up a department of neurosurgery where not only neurosurgery was practiced but neurosurgeons were trained, and this department started in Vellore in 1949. It is with great humility and gratitude that I was great honor for me to deliver this Chandi Oration. The subject of my talk was my journey through my tryst with acute ischemic stroke interventions. There has always been a complete nihilistic attitude towards stroke. Neurologists, the lay public, everybody, if a patient gets a stroke, that is the end of his life. Not anymore. This is the thing that I wanted to convey. अपस्मार ठारु आरंभ करी स्ट्रोक एवं विभिन्न स्नायुजनित समस्या संपर्क में प्रस्तुत कराइला गवेषणात्मक संदर्भ तेज अपस्मार शल्य चिकित्सा संपर्क में चर्चा। एपिलेप्सी को ओडिया रे मूर्छा रोग कहते हैं। देखी थे बहुत जन पा कि बहुत जन लोक अफिस्रे कि स्कूल हठात मूर्छा ही जाती
मूर्छा ही हाथ गोड़ गोटे साइड हाथ गोड़ छाटी पिटी हूँ पूरा हाथ गोड़ छाटी ये मूर्छा ही घंटे दि घंटा रही जाती आउ थे रिकवर हो जाती एपिले जो मूर्छा रोग पिला बलू आरंभ होता है कितजन को परे बड़ा हुए पिला यूजुअली जो मान जन्म बड़े टी प्रॉब्लम थाए ये जो डेलीवरी बेसी लंबा हो जाए प्रोलॉन्ग डेलीवरी बेले बेले ब्रेन केते पार्ट ब्रेन में टिके ब्लड फ्लो कमी जाए सेठे कमी गले सेठे सेठे गोटे माने घा स्कार भलिया हो जाए सेटा सेटा परे कौन करे से स्कार पई सेठे सेठे जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है परे जो फिट्स हुए जोटा कि मूर्छा रोग हुए कि बड़ मान जो हेले सेटा सेटा अलग सेटा यूजुअली ब्रेन ट्यूमर थिले सबटा समानकर जो मूर्छा रोग आरंभ हुए सो बड़ मानकर जदि एपिलेप्सी हुए समान को फर्स्ट एमआरआई करी जदि ट्यूमर कण अच्छी ताले सेटा को सर्जरी करिया को पड़ियो जदि नथिबो ताले ताकु मेडिसिन रे ट्रीटमेंट करिया को पड़ियो पिला मानकर यूजुअली ब्रेन रे एते नॉर्मल देखा जाए नॉर्मल सीटी स्कैन रे किंतु बहुत हायर एमआरआई करले 1.5 कि 3 टेस्ला जो ये जो बेसी रिजोल्यूशन अच्छी देखले छोटो छोटो जो स्कार मार देखा जाए ब्रेन जो मेमोरी जो एरिया हिपोकैंपस वाली सेटा ये जो कानर आगो पाखे था हिपोकैंपस टेम्पोरल लोब जो हिपोकैंपस सेठे यूजुअली सेटा हिपोकैंपस तो छोटो हो गले सेटा सेठू से जो इलेक्ट्रिकल करंट आरंभ हुए से मूर्छा रोग हुए तो नॉर्मली जो पिलावन को मूर्छार डाक्टर पाख आसिले यूजुअली मेडिसिन रे ट्रीटमेंट करा जाए मेडिसिन केते जन गोटे औषध भल हो जाए कि जन को दीटा औषध दरकार जन तीन टा औषध दरकार किंतु जदि दीटा औषध खाई भी जो मानकर मूर्छार गटा कमेनी ताहले सेमान को सर्जरी करया को पड़े आम 70 भाग पेशेंट को औषध दे देले ठीक हो जाए कि जो 30 भाग पेशेंट को औषध देले भी सेटा को भल हुए से सर्जरी कले से भल हो जाए कि सर्जरी 30 भाग समस्त सर्जरी सर्जरी जो डिसीजन ने से कौन टाइप ऑफ सर्जरी करवाई से स्पेशल स्कैन करा पड़े जो एमआरआई पेट स्कैन वीडियो ईजी ये सब कले मैग्नेटिक एनकेफोग्राफी ये सब कले ब्रेन रो को पार्ट रो सेटा एबनॉर्मल अच्छे कोठो इलेक्ट्रिकल सेंसेशन आरंभ होटा आइडेंटिफाई करा पड़ो जदि आम जानदेलु जो ब्रेन रो को ये मुंड पाखे राइट साइड पाखर एरियाटा खराब अच्छी से इलेक्ट्रिकल सिम्स स्टार्ट होटा को सर्जरी कर काढ़ीदे तो फिट्सटा कमी जाए सामग्रिक सुस्थता संपर्क में तुलनात्मक जुगरे रही सबुठार अधिक आवश्यकता तेबे मन को सुस्थ और शांत रखा रखाई एक स्वतंत्र वक्तृता ओम शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चिंता मुक्त जीवन जापन आमको राजयोग मेडिटेशन रो अभ्यास सिखा जाए वास्तव में आज प्रत्येक मनीष कौनसी ना कौनसी कारण चिंतित किंतु जदि चिंतार मुख्य कारण आम खोजा को जीवा आम यह पाइबा जे आम भितर जदि आम आंतरिक क्षमता को बढ़े दे पारिबा ताहले परिस्थिति जेमितिका भी होना कहीं बाहर प्रेशर जहाँ भी जेमितिका भी होना कहीं आम से भी निजकु टेंशन फ्री रखी पारिबा साधारणतः आम भाभी थांती जे आम टेंशन रो कारण आम घर लोक कि आम अड़ोशी पड़ोशी किंबा आमर साथी जो मान सहित आम कम करुचे किंबा आमर बॉस जी टिके रागी किंतु प्रकृत में जदि आम गभीरता को जाए कि ये जिनस को अनुध्यान करिबा ताहले आम पाइबा जे आम चिंतार कारण अन्य केही नुहंती आम चिंतार कारण वास्तव में आम निजे कारण समान परिस्थिति रे जदि दुई जन लोकन को आम देखिबा ताहले समान परिस्थिति रे कहा को कम स्ट्रेस होउचे कहा को बेसी स्ट्रेस होउचे तेणु जदि परिस्थिति ही स्ट्रेस रो कारण हे थांता ताहले उभय को एक प्रकार स्ट्रेस हे थांता किंतु गोटे परिस्थिति रे जणे रिलैक्स रही पारुचंती आउ जणे बहुत अधिक चिंतित तो होई पडचंती तो सेतिर बुझा पडुची जे से लोकंकर निजर मानसिकता किंबा निजर आंतरिक क्षमता को नै कि से टेंशन रे रहउचंती किंबा टेंशन फ्री भी रही पारुचंती तेनु ब्रह्मा कुमारीज रे आमको बहुत सुंदर शिक्षा दिया जायची यदि यदि आमे प्रत्येक परिस्थिति रे निजकु टेंशन फ्री रखिया को चाहउचे ताले आमको आम कंफर्ट जोन को बढेबा को पडिबो आमे आशा करुचे समस्ते आम को रेस्पेक्टफुली कथा कहतु समस्ते आम सहित लविंगली कथा कहतु किंतु यहाँ सत्य
जे जीवन रे केते बेले के रेस्पेक्ट देबे केते बेले न भी देबे केते बेले के लविंगली कॉर्डियली कथा कहबे केते बेले के न भी कहबे बट जदि मु निजो को रेडी रखी छी से सब परिस्थिति पई आ मु सब परिस्थिति रे निजो को कंफर्टेबल करि पार छी ताहले मते से भलिया एब्सर्ड सिचुएशन रे भी किंबा जोटा मु चाहूनी से भलिया प्रतिकूल परिस्थिति रे भी मु निजो को टेंशन फ्री करि परिबि आ जत्ते बेले व्यक्ति टेंशन रे आसे सेते बेले विभिन्न रोगर शिकार मध्य होई थाए आज जदि ब्लड प्रेशर डायबिटीज स्किन डिसऑर्डर एभलिया गुड़े रोग रो मूल कारण को आम खोजा को जीवा ताहले आम पाइबा तार मूल कारण होची मानसिक दुश्चिंता किमा मानसिक अशांति राजयोग मेडिटेशन गोटे सुंदर उपाय जो थे आम मन को परमात्मा सहित जोड़ी था परमात्मा जी कि सर्वशक्तिमान जितेबले सर्वशक्तिमान परमात्मा सहित आम मनर कनेक्शन हो जाए से परमात्मा ठूँ आम भितर को पावर आसवा स्टार्ट जाए आम जो एम्पावर्ड हो जा अर्थ आत्मा किंबा मन आम शक्तिशाली ताले सही समान परिस्थिति आमको छोटिया मन हम आमको मामूली मन हम आमे निजर से एम्पावर्ड स्थिति द्वारा बहुत इजिली भगवान का साथी को फील करी आम क्रॉस करी परिबा तेणु लाइफ रे टेंशन रहिबाटा स्वाभाविक एटा गोटे भूल धारणा आम आमर निजर दुर्बलता जो जीवन रे टेंशन एक्सपीरियंस करुचे किंतु जदि भगवान को ध्यान करी आम आमको शक्तिशाली बनई पारा ताल निश्चित भाव में आम टेनसन निजक मुक्त रखिपर तापी जाणी दरकार जे बास्तव में मु आत्मा आत्मा भितर असीम शक्ति आसीम क्षमता लुचि रही आसबू क्षमता को शक्ति को आक्टिवेट करने आमको आम मन को परमात्मा सहित जोड़ा दरकार डिसेम्बर 13-17 पर्यंत निरंतर भाव में विभिन्न कक्ष में समातराल उपाय जारी रही कार्यक्रम 13 दिन थिला प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जो थे कि स्टूडेंट मानंकु विभिन्न क्षेत्र रे लाइक ईजी केमती रीडिंग करिवो कैडावरिक डिसेक्शन एंड ड्रिलिंग एंड स्पाइन फिक्सेशन एंड न्यूरोमॉड्यूलेशन एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स आ उपरे वर्कशॉप कटक एससी मेडिकल कॉलेज रे अरेंज करा जायतिला एंड देयर वर 200 खंडे स्टूडेंट इतने पार्टिसिपेट करते इट वाज वेरी सक्सेसफुल होता कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जो थे कि गोटे न्यूरोसर्जिकल टॉपिक्स दी तीन टा उपरे करेंट एडवांसमेंट कौन कौन है जोटा कि स्ट्रोक हेड इंजुरी हाइड्रोकेफलस एपिलेप्सी सर्जरी एन्यूरिज्म सर्जरी इवन स्पाइन फिक्सेशन ये विभिन्न सब्जेक्ट उपरे कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन चली लगभग 1200 डेलीगेट अटेंड नेशनल फैकल्टी 100 अच्छा इंटरनेशनल फैकल्टी 10 जन अच्छा आटा गोटे कॉन्फ्रेंस रो मेन मोटो है विभिन्न जगार जो न्यूरोसर्जरी पास करम अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ करेंट अपग्रेडेशन ऑफ देयर नॉलेज बाय दिस कॉन्फ्रेंस सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द रिसेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ओल्ड टेक्निक्स गोटे छात तले विश्व उपलब्ध चिकित्सा पद्धति गुड़ी को जाणवा और जनईबार सुजोग सृष्टि करें सम्मिलन तेब आम राज्य अनुष्ठित जातीय सम्मिलनी आम राज्य में कार्यरत विशेषज्ञ मानी सहायक होगी सेवे साण हो आमर अपार्ट फ्रम जी टेक्निकल डिस्कशन होरोसाइनसेस जोटा कि आमर नॉर्मल सबू क्षेत्र डॉक्टर मान प्रति गोटे आई ओपनर कि प्रिभेन्शन अफ हेड इंजुरी प्रिभेन्शन अफ फल यू केमी आम चिकित्सा तो पर जदि यही इंजुरी गुड़ा को कौन सी मात्रा रे आमे कमे पारिबा ताले सेटा आम पाई गोटे बहुत बड़ सक्सेस हो तेणु एटा जनरल अवेयरनेस आउ सबु क्षेत्र रो लोक मानंकु जदि आमे मिलित आम सांगरे नहीं कि तांकु ए मेकानिज्म ऑफ इंजुरी गुड़ा सब बुझे पारिबा ताले लॉन्ग रन रे कौन हबो आमर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आउ ये से गुड़ा सब कमी जिवो आमर जेमती कि सिद्धांत महापात्र आमर पॉपुलर ओडिया फिल्म स्टार अच्छा से भी आम सांगे जोग देमर यही प्रोग्राम द्वारा अनेक गुड़ा जो जनरल पब्लिक अच्छा स्कूल स्टूडेंट्स अच्छा
इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स अच्छा एमानंकु आमे सांगरे रखी